जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है ऐसी पांच राशियों की जानकारी के बारे में जिनका चैत्र पूर्णिमा पर चमकेगा भाग्य, सुख सौभाग्य की होगी वृद्धि। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का राशि। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, जिसके चलते इसका आकार बड़ा और चमकीला हो जाता है और इसे पिंक मून भी कहा जाता है, जिसे गुलाबी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार इस साल 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा के चांद को पिंक मून, सुपर मून और पास्कल मून समेत कई नाम से जाना जाता है। यह ऐसी खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है, जिसके चलते चंद्रमा का आकार बड़ा और चमकीला नजर आता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ राशियों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी और उनके आशीर्वाद से सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि। सुपर मून के प्रभाव से मेष राशि वालों के भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, साथ ही संग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिंगल जातक किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन रिलेशनशिप की जल्दबाजी ना करें। अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। निवेश से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। करियर गोल्स पर फोकस करें। मित्रों, वृष राशि। रिश्तों में बड़े बदलाव आएंगे। फुल मून के प्रभाव से रिश्तों में प्यार और रोमांस बरकरार रहेगा। साथी से अपनी फीलिंग्स ईमानदारी के साथ शेयर करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में धन लाभ होगा। जो लोग रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, वह पेरेंट्स से मैरिज के लिए डिस्कस भी कर सकते हैं। अब जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। कुछ जातक जॉब चेंज करने का प्लान भी बना सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सेल्फ केयर पर फोकस करें। अब जानते हैं कर्क राशि। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। लव लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। सिंगल जातकों के लिए नए लोगों से मुलाकात होगी, साथ ही सच्चे जीवन साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, साथी संग उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। अपनी फेवरेट हॉबी के लिए टाइम निकालें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक चैत्र पूर्णिमा से सिंह राशि वालों को भावनाओं का उतार चढ़ाव रहने वाला है। अतीत की यादें आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी। नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति बरकरार रहने वाली है। मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि का हाल। जीवन में ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं रहेगी। नए स्किल सीखें। पढ़ाई लिखाई के कार्यों में समय व्यतीत करें। सुपर मून के प्रभाव से वाणी में सौम्यता आएगी। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। लाइफ में नई चीजों का एक्सप्लोर करें। मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि। आर्थिक मामलों पर थोड़ा ध्यान दें। आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी। कुछ जातक अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस दौरान धन का प्रबंधन होशियारी से करें। नया बजट बनाएं। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए धन से जुड़े फैसले सोच समझकर लें। वृश्चिक राशि। सुपर मून वृश्चिक राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस खगोलीय घटना से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई अवसर मिलने वाले हैं। करियर से जुड़े लाभ शुभ समाचार दिलाएंगे। रिश्तों में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इससे जीवन के हर पहलू में अपार सफलता मिलने के आसार हैं। अब जानते हैं धनु राशि। अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। कड़ी मेहनत और लगन के साथ सभी कार्य करें। कार्यों का ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। रोजाना मेडिटेशन और योगा करें। सेल्फ केयर एक्टिविटी में शामिल हों। आपको नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर ग्रोथ के नए अवसरों पर नजर रखें। अब जानते हैं मकर राशि। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है। कुछ लोगों को दोस्तों की मदद से धन लाभ के भी अवसर मिलने वाले हैं। मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि। प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी कामयाबी मिलेगी। कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होगी।
ऑफिस में नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें, इससे सफलता की राह पर मार्गदर्शन मिलने वाला है। मित्रों अब जानते हैं मीन राशि का हाल। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहें। ट्रेवलिंग का प्लान बना सकते हैं। सेक्सी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है। मित्रों ये थी चैत्र पूर्णिमा के लिए 12 राशियों का विशेष हाल। अगर आपको किसी भी तरह से परेशानी चल रही है तो आप अपने ज्योतिषी से सलाह लेकर अपनी कुंडली दिखाकर भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। ये थी 12 राशियों के हाल जो कि चैत्र पूर्णिमा से आपके ऊपर लागू होने वाली है। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।